नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न का डिस्कस करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि आरएस 5000 की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हमको दिया गया है, यहाँ पर आपको मूलधन दिया गया है पी बराबर 5000 रुपए। ठीक है, रेट दिया गया है 4%, और क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, जो जो दिया हमने वह निकाल लिया। पूछा हमसे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो जब हमें 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। क्या होता है, मूलधन आर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, जब बात 2 वर्ष की होती है तब ए वाला सूत्र हम लगाते हैं। इसमें हम अपनी वैल्यू रख देंगे, पी की वैल्यू कितनी है 5000, आर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10000। ये लिख दिया, काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा। तो अंतर निकल के कितना आ गया, अंतर निकल के आ गया 8 रुपए। ठीक है, तो आपको बड़े ही सिंपल तरीका से इस सूत्र वाली मेथड की सहायता से आपको लगा देना है। एक और इसको लगाने की मेथड होती है उसको हम बता देते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर रेट दिया गया है, ठीक है, रेट क्या दिया गया है, रेट दिया गया है 4%। ठीक है, अब इस प्रतिशत को हटाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, इसके नीचे 100 लगा देते हैं, कट करेंगे तो 1/25 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई है 1/25। तो जो हमारा मूलधन होता है, मूलधन कितना है 5000, इसका 1/25 हम निकाल लेंगे, 25 से कट करेंगे, 25 × 50 कितना आ जाएगा 200 रुपए। फिर जो 200 आया ये तो 1 वर्ष की प्रोसेस हो गई। अब जब बात दूसरे साल की आती है तो जो राशि यहां पर आई उसको और सॉल्व कर देते हैं, यहां पर 1/25, 25 से काटेंगे, 25 × 8 = 200, तो 8। तो ये जो हमको ये अंतर मिलता है यह 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, तो इस विधि से भी आपको निकाल सकते हैं या इस सूत्र की मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। दोनों विधियां आपको हमने बता दी हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आप उससे सवाल को लगाएं, और इस प्रकार के कम से कम 8 से 10 प्रश्न आप हल करेंगे तो आप दोनों विधियों में से जो भी आपको सिंपल लगे उससे आप अपने लगा लें। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।